नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राम जानकी मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने पिछले दिनों एक पत्र लिखकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि राम जानकी मार्ग धार्मिक महत्व एवं पथ निर्माण विभाग बिहार के अनुरोध पर स्वीकार करते हुए इस राजमार्ग को राज्य में 4 लेन किया जाएगा। नितिन नवीन ने बताया कि राज्य में करीब 240 किलोमीटर की लंबाई में बन रहे राम जानकी मार्ग में से सिर्फ 90 किलोमीटर ही 4 लेन मानक के अनुरूप है। शेष 150 किलोमीटर 2 लेन सड़क के रूप में प्रस्तावित है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 150 किलोमीटर लंबाई को भी 4 लेन किए जाने का प्रस्ताव दिया है। इसी प्रस्ताव को लेकर केंद्र की तरफ से अनुमति दी गई है। ऐसे में अब पूरा 240 किलोमीटर लंबा राम जानकी सड़क 4 लेन हो जाएगा। बता दें कि राम जानकी मार्ग उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित महरौना से शुरू होगी और यह सीतामढ़ी के पास नेपाल सीमा पर स्थित भीटटा मोड़ पर जाती है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। पीएम पैकेज बिहार 2015 के तहत इस पथ के 200 किलोमीटर भाग में 4 लेन सड़क विकसित करने का काम NHAI द्वारा सिवान के मसरख 70 घाट होते हुए चकिया तक बनाने का DPR तैयार किया जा रहा है। इस योजना को लेकर महरौना से सिवान तक की लगभग 40 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क का निर्माण के लिए अलाइनमेंट तय कर भूमि अधिग्रहण हो रहा है। साथ ही साथ बाकी बचे हुए 200 किलोमीटर में से 52 किलोमीटर में सिवान मसरख पथ को 4 लेन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ 8 किलोमीटर राजापट्टी फैजुल्लापुर और 23 किलोमीटर केसरिया चकिया सड़क से पेमड सोल्ड के साथ 2 लेन सड़क में विकसित करने के लिए भू अर्जन का काम यानी कि जमीन अधिग्रहण का मामला आगे बढ़ गया है। इधर चकिया शिवहर सीतामढ़ी भेटिंडा रोड पर बनने वाली सड़क के लिए NHAI द्वारा DPR तैयार करने को कहा गया है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा कि हाजीपुर महनार बछवाड़ा के लिए 624.43 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार के वैशाली समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में NHAI 122B के हाजीपुर महनार बछवाड़ा खंड से पूर्व निर्माण और महनार से बछवाड़ा खंड के 2 लेन में सुधार के लिए 624.43 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्वीकृति दी गई है। बता दें कि इस सड़क का निर्माण कार्य जारी है। इसके साथ साथ एक और जो है पुल को लेकर जिक्र किया गया है, जिसमें बिहार सरकार की तरफ से केंद्र से अनुरोध किया गया है। 2019 में खर्च की गई राशि को केंद्र से मांगा NH 2027A के अलाइनमेंट पर राज्य सरकार द्वारा 70 घाट में गंडक नदी पर 2 लेन पुल सहित अप्रोच रोड का निर्माण राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किया है। साल 2019 में गंडक नदी में बाढ़ के दौरान इस पुल का अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गया था और कुल 448 मीटर अतिरिक्त वाटरवे का प्रावधान करते हुए वर्तमान एजेंसी ने इसके मूल कार्य के अतिरिक्त कार्य के अंतर्गत कराया जा रहा है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने व्यय की गई राशि को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। इसमें साफ है कि गंडक नदी पे जो अप्रोच पुल था वो बह गया, उसके बाद जो है इसमें कार्य जारी है, तो ऐसे में उस पैसे को व्यय करने को लेकर जो है केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। तो एक तरह से कह लें कि अब जो है बिहार सड़कों के मामले में एक बेहतर स्थिति होने की स्थिति में है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।